रसूलुल्लाह की आजिज़ी के अंदाज अजीब थे मक्का की फतह के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को कहा, बिलाल एक हबशी गुलाम, वही बिलाल जिसकी चीहें, जिसकी पुकार, जिसकी अहद अहद के नारे, जिसके ऊपर जुल्म और बर्बरियत मक्का की इन तपती रेत के ऊपर सहराओं के अंदर हुआ करता था। चढ़ जाइए। अल्लाह के रसूल कहाँ? खाना काबा की छत के ऊपर। वो गुलाम, वो बिलाल, उसको ये एजाज रसूलुल्लाह ने दिया, खाना काबा की छत के ऊपर चढ़ जाइए। चढ़ गए, अजान दीजिए। कौन अजान दे रहा है? बिलाल। एक तरफ वो मंजर याद रखिए सीरत के आगाज में जो रखा था कि सीने के ऊपर पत्थर हैं, मुंह से अहद अहद अल्लाहु अहद के नारे निकल रहे हैं। आज बिलाल खाना काबा की छत के ऊपर चढ़ के क्या कह रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कुरैश मक्का, आप जरा उस मंजर को अपने जहन में लाइए जिन्होंने दसियों बरस रसूलुल्लाह की मुहालफत की, रसूलुल्लाह के खिलाफ तलवारें उठाई, वो आज कितनी सुरीली और मीठी जुबान से ये आदान सुन रहे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो क्या कफियत थी? ये वो आदान थी, इसको कहते हैं आदान बिलाली थी। ये वो आदान बिलाली थी कि कुरैशियों में से, कुफारे मक्का में से, कुरैश मक्का में से एक ऐसा ना बचा कि जिसने इस अदान को सुन के इस्लाम को कबूल ना किया। सब ने बिलाल की ये अदान सुनी, आंखों में आंसू लिए, सहाबा की आंखें भी पानी से भीगी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी अजीम फतह बगैर खून बहाए, बगैर किसी लश्कर की कशी किए दे दी है। इस अदान के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अदीमुशान खुतबा दिया और उस खुतबे का खुलासा ये है, ए कुरैशियो, ए दुनिया वालो, सुन लो, इस मक्का को, इस खाना काबा को हमेशा हुरमत के लिए पैदा किया गया है। यह हुरमत का शहर है, हुरमत की मस्जिद है। इसको चंद लम्हों के लिए मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल किया गया। मेरे बाद मेरी उम्मत में से या आने वाले लोगों में से कल को कोई ये कह के इस खाना काबा की हुरमत को पामाल न करे कि रसूलुल्लाह ने भी फतेह मक्का के मौके के ऊपर खाना काबा के अंदर जंग की थी, ये मेरे लिए भी हलाल नहीं था। हाँ, कुछ लम्हों के लिए अल्लाह ने मुझे रुख्सत दी, मैंने फतेह कर लिया, अब क़यामत तक के लिए इस खाना काबा में, इस मस्जिद हराम में, इस हदूद हरम में किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। बनू हुदा सुन लो, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा, यहाँ के दरख्त नहीं काटे जाएंगे। ये हुरमत का शहर है, इसकी तादीम की जाएगी, इसकी तकदीस की जाएगी, इसकी अजमत को हमेशा के लिए बहाल कर दिया गया है। कल को कोई शख्स हरगिज ये उजर न रखे कि यहाँ पे जनाब रसूलुल्लाह ने बाद लोगों को कत्ल किया था तो हमें भी कत्ल की या मारपीट की इजाज़त मिल गई है, हरगिज नहीं।